गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों मैं हूं आज हरिद्वार में और गंगा तट पे, और अभी मैं जस्ट सो के आ रहा हूं, लगभग आधा घंटा हुआ है। और अब मैं यहां सोचा मैंने नहा लिया जाए, उसके बाद इसी के चलते हैं। और अभी टाइम हुआ 10 बजे, सूरज भी आज आ गया है और मैं यहां रात भी रुका था गंगा तट पे। और भाई आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग आना, एक बंदे मत कभी नहीं आना यहाँ उत्तराखंड में, तो कहीं मत एक बंदे मत जाना, 2, 3, 4, 5, 6 जितने हो पाए उतने लेके आना, लेकिन एक बंदा मत लेके आना, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मैं भारत यात्रा अकेला करता हूँ ना। तो मैं यहाँ आश्रम में कल गया था, 2-3 घंटे घूमा मैंने, 50 आश्रम ढूंढा रहे, लेकिन कहीं मुझे रूम नहीं मिला, क्योंकि आश्रम में फ्री मिलते हैं ना। तो भाई यहाँ अकेले को कोई रूम नहीं देता है, और 2 जने हों 3 जने तो उनको रूम मिल जाता है। तो भाई मैं कल गंगा तट पे अपना रूम मैंने लगा लिया था, यहाँ पे कैंप लगाया था, आप देख सकते हो कि आगे जो यहाँ पे लोग हैं ना, उसके आगे रात में भीड़ कम हो गई, तो वहीं मैंने अपना कैंप लगाया था। तो मेरी रात आराम से कट गई, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन रात में पानी बहुत बरसा भाई, एकदम छर्रो वाटर प्रूफ मेरा कैंप था, कोई दिक्कत नहीं हुई। और अभी तो मैं बस नहाने वाला हूँ, उसके बाद जाएंगे हम ऋषिकेश। तो यहाँ तो भैया गंगा जी बह रही है, कोई दिक्कत नहीं, अभी नहाते हैं, ठंडा पानी बहुत है, आप देख सकते हैं एक एक पत्थर दिख रहा है, इतना साफ पानी है और मीठा पानी बहुत है। दोस्तों चलते हैं नहाने। भाई अभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं, इतना मस्त पानी आ रहा है ना, सही बता रहा हूँ, कुछ कह नहीं सकता हूँ। इतना पहाड़ बड़ा है यहाँ का, समझ नहीं आता। आगे देखते हैं आगे क्या मिलता है, उधर मंदिर है और वहाँ भी मंदिर है, कैंप लगा सकते हैं रात में, कोई दिक्कत नहीं। इधर भाई बहुत साफ पानी आता है।
दुनिया की जन्नत है ना, तो समझो यहाँ है, कहीं नहीं है। सही बता रहा हूँ, ये गंगा जी हैं और जहाँ से निकलती है वहाँ भी जाना बाकी है। अभी अभी तो शुरू किया है भाई, अभी आके देखो क्या क्या होता है। एक बार जाओ, यहाँ पे कैंप लगा सकते हैं सोने के लिए। हाँ क्यों नहीं, जगह है पूरी। जी करता इसी में नहा लूँ अभी, लेकिन अभी नहीं, सुबह नहाऊँगा। अभी सुबह नहा के आया ना, एक दिन अगर ज़्यादा नहाने लगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब मैं आगे चलता हूँ, आगे देखता हूँ क्या मिलता है। यहाँ 5 बजे बंद हो जाता है वाटरफॉल। आप यहाँ करवा क्या करवाते हैं? राफ्टिंग, एडवेंचर, कैंपिंग है, बंजी जंपिंग, फ्लाइंग फॉक्स, जिप लाइनिंग। अच्छा, ये जो बात है यहाँ होता है, ये हमारे उन्होंने सैंडल निकाल लिया अभी। और भाई ये सौ का आप देखो पीछे लिखा होगा, जूम करके दिखाओ। दिस वन रिवर राफ्टिंग। कितने रुपए लेते हैं आप यहाँ के? 600 रुपीज़। 600 रुपए। कितने टाइम तक करवाते हैं? कितना टाइम? 9 किलोमीटर परमगुरी टू रामजुला। लाइटी पॉइंट बीच में बॉडी सर्फिंग करवाते हैं, लाइट जैकेट देते हैं, हेलमेट देते हैं, पैडल देते हैं। राफ्टिंग में बताओ कैसे कैसे वाला आप बताइए। क्यों कर रहा हूँ बता दो, जल्दी बताओ। बता रहा है बता दो। हम यहाँ के प्रोफेशनल गाइड रामजुला हमारा है। यहाँ के पार्षद सुभाष चौहान जी हैं, पर कुछ नहीं करते, हम उनके बंदे हैं और यहाँ पर राफ्टिंग करवाते हैं। आपको दिखा दिया गया है, ये हमारे भाई हैं। भाई आज हम ये रुकने वाले ट्रैवल्स वाले, मैं ऑल इंडिया ट्रैवल वाला हूँ। विदाउट मनी सर भाई। आप लोग भी ट्रैवल करो गाइस, जो इन लोगों का चैनल देख रहे हैं। रामलीला और रामलीला रामलीला चलते हैं वाटरफॉल। आज नहीं, हम इनको सजेस्ट कर रहे हैं कल के लिए। चलो ठीक है दोस्तों, कल जाएंगे वाटरफॉल।